ये देखिए मालवाणी मालवाणी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज है ईद का सेकेंड डे और आज इतना थक गई हूँ मैं, इतना थक गई हूँ कि पूछो ही मत कि कल मैंने कितने बड़े बड़े पहाड़ तोड़े हो। तो वहाँ से मैंने व्लॉग एंड नहीं किया था, मैंने कंटिन्यू ही रखा था। और मैं कितनी अक्लमंद इंसान हूँ गाइस, मैंने ईद के दिन तो ये वाली बेडशीट नहीं बिछाई थी और आज मैंने सोचा कि चलो आज ही बिछा देती हूँ, क्योंकि ईद के दिन इतना काम हो जाता है, इतना हो जाता है कि पूछो मत। खाना पकाना, रेडी होना, ये करना वो करना, सब कुछ ईद के दिन ही हो जाता है। और आज ही मैंने ना देखी धोबी गार्ड भी लगाया है, सारे कपड़े वॉश करने के लिए डाल दिए थे मशीन में, यहाँ पर ड्राई हो रहे हैं, वहाँ पर और डाले हुए हैं। और मैं देखिए यहाँ पर भी कितना मैस पड़ा हुआ है। और ये मेरा बेचारा ट्राईपॉड जो कि मेरी ज़िंदगी का सहारा है, जो कि मेरे लिए बहुत ही काम आता है, तो ये भी थोड़ा देखिए मट्टी वाला हो चुका है, तो उसको मैं संभाल के रखूँगी। इसी तरह से मेरी लापरवाही की वजह से मेरे बहुत से ट्राईपॉड टूट चुके हैं। और आज हम फिर से जाएंगे अम्मी के घर, क्योंकि आज हम जाएंगे हमारी छोटी वाली भाभी के जो ईदी देने के लिए। तो हम अभी भी अम्मी के घर जाएंगे, आज जुम्मा है। और यहाँ पर देखिए मैंने मशीन भी बंद नहीं किया था और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, बाकी का मैं कंटिन्यू करूँगी। आज हम क्या वेयर करेंगे क्या नहीं, तो अभी तो मैं सड़ेले सड़ेले गलेले कपड़े पहन के घर में फिर रही हूँ, क्योंकि हम लेडीज़ का यही काम है। हम कोई भी फेस्टिवल होता है तो इतना शो अप करते हैं, इतना स्टाइल मारते हैं, और घर में अगर हमको लोग देख ले, हम गर्ल्स को घर में लोग देख ले तो बोलते हैं ना कि सारी जकात हमको ही दे जाए, तो ये होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं सड़ेले हमारे नाइट वेयर के साथ ही घूम रही हूँ, और यही कपड़ों में हमको इतना सुकून मिलता है ना गाइस के पूछो ही मत। इकरा देखो कितनी फींदे फिंदाइली आ गई है मेरे सामने, और इकरा का हाल देख सकते हो। इकरा को जब मैंने कल ना जो हेयर स्टाइल की थी, इसकी वजह से इसके बाल बहुत ही फ्रीज हो गए हैं। हमारी इकरा के हेयर थोड़ा ना फ्रीज है, तो मैं उसकी हेयर की बहुत केयर करती हूँ, फिर भी चलो चलता है, मेरी इकरा बहुत अच्छी है। अब हम करेंगे रेडी, शेडी होंगे और उसके बाद हम जाएंगे नानी माँ के घर। तो इकरा अभी देखिए अपनी हेयर स्टाइल बनाने में बिजी है। तो चलो अब हम करते हैं व्लॉग को कंटिन्यू अम्मी के घर जाके, तो बने रहिएगा व्लॉग में, स्टे ट्यून। सो गाइस फाइनली यहाँ पर मैंने देखी ईद के लिए थोड़ा बहुत निकाल लिया है, क्योंकि आज तो सेकेंड डे है, फिर भी मुझे लगा कि मैं थोड़ा रेडी शेडी होंगी। तो यहाँ पर मैंने ये वाला ड्रेस निकाला है, ये वाला काफ़ी अच्छा ड्रेस है, तो ये मैं सेकेंड बार उसको वेयर करूँगी, क्योंकि मैंने एक बार वेयर कर लिया है। तो इसका ये पूरा शर्ट है, और ये है इसका दुपट्टा, ये है इसका ट्राउज़र, और मैं इसके ऊपर वेयर करूँगी स्कार्फ, क्योंकि इसका दुपट्टा है जो कि सर पर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इसके साथ यहाँ पर मैं मैचिंग वाइट कलर की इयररिंग वेयर करूँगी। सो और यहाँ पर मैंने बैंगल्स भी निकाल लिए थे, ये भी वाइट है, तो ये भी इसके साथ ही जाएंगे, सेम मैच हो जाएंगे देखिए। और इकरा के लिए आज मैंने कुछ लाइट सा निकाला था, तो इकरा को आज मैं वेयर कराऊंगी, काफ़ी अच्छा है ये वाली टी शर्ट्स। इकरा साइड मोजा, और ये वाला है इसका पैंट, सो ये वाली है इसकी पैंट, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा मेरी इकरा पे। तो ये है हमारा ईद सेकेंड डे वाला आउटफिट, और मेकअप तो मैं थोड़ा लाइट वेट ही करूँगी, ज़्यादा हैवी नहीं करूँगी, और लुक क्रिएट करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो चलिए स्टे ट्यून। सो फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं अम्मी के घर पे, तो अभी मैंने आपसे मेरा लुक शेयर नहीं किया है, मैं आने के बाद करूँगी। अभी हम लोग जा रहे हैं ईडी लेने के लिए भाभी के घर पे, तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो चलो मैं दिखाती हूँ, इकरा को रेडी कर दिया है और मैंने अबाया वेयर किया है, ये है मेरा अबाया, कल ईद वाला ही अबाया मैंने वेयर किया था। तो अभी मेरे इधर आओ, इधर इधर देखो मट्टी वाले हाथ है, ये आगे फिर इधर पीछे फिरो। तो देखिए अलान अली भी रेडी है, अली कहाँ है? तो ये है मेरी, ये मेरे शूज पहन लेती हूँ मैं, और अब हम लोग जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हमारे मामा के ससुराल, मामी के घर, इतना लंबा। अले इधर, हाँ अवे, चलो तो बैठते हैं रिक्शा में, चला इकरा इधर बस, चलो सीधी पीछे बैठी होगी तुम दोनों,
जाओ देख संभाल के कपड़ा ना फटे। बीच में बैठिया। हाँ तो भाई आजू बाजू बैठे तो फोटो पाड़ो। आयु सीधे ना खाली बैठो चले गोंडे। सो गाइज फाइनली अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं, तो मैंने सोचा कि आपको मेरा आज का लुक बता दूं। तो देखिए आज का मेरा ये है आउटफिट। तो यहाँ पर मैंने फिर से ही इस तरह का हिजाब वेयर कर लिया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जब से मैंने ईद में ये हिजाब वाला लुक किया है तो मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। इंशाल्लाह मैं सोच रही थी अब आगे जाके भी इसको कंटिन्यू करूँगी मैं, यानी कि कोई भी फंक्शन होगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये चीज़ मैं कंटिन्यू करूँगी। और पीछे ना फारूक के बिस्तर को इग्नोर करिएगा क्योंकि फारूक अभी जस्ट गया है दरगाह वगैरह पे, तो यहाँ पर ना उसके जो ब्लैंकेट्स वगैरह यहाँ पर ही पड़े हैं। और ये वाला ड्रेस मुझे ना कल वाले ड्रेस से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है सच में। तो बट मैंने ये पहन लिया था तो फिर मैंने दूसरी बार उसको ईद के दिन नहीं पहना, मैंने सोचा कि आज मैं उसको पहन लूँ। और ये देखिए यहाँ पर मैंने ईयरिंग्स पहन लिए है और इसके ऊपर ये वाइट स्कार्फ मैंने वेयर कर लिया है। तो कैसा लगा मेरा आज का लुक तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस। तो इस तरह का मेरा पूरा आउटफिट है। देखिए ये पूरा पाकिस्तानी ड्रेस है, इसके साथ ये नेट का दुपट्टा है। तो ये दुपट्टे तो वैसे तो हमारे सर पे अच्छे से टिकते नहीं है, तो इसके साथ इस तरह का ही हमको हिजाब वेयर करते हैं तो इसके साथ लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं थोड़ी सी पिक्चर्स लगा दूँगी मतलब थंबनेल वगैरह पर। तो ये है मेरा आज का लुक, तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा लुक। अभी आपने ईदी देखिए शो ऑफ कर रही है मेरे सामने, बट ऐसा नहीं है कि भैनों को एक दे दे, मेरी भैन ने मुझे ईदी दीती हो गाइस, दीती दीती। ये देखिए मालवाणी मालवाणी ईदा होती है ना तो मालवाणी निकल जाता है। इसके अकेले की नहीं है, इसके बच्चों की भी है। माइयाँ बच्चों के पैसे बहुत चुरा लेते हैं। तो गाइस ये ना बहुत सारी ईदी है बट उसके बच्चों की बहुत ईदी है क्योंकि माइयाँ ऐसे हर बार अपने बच्चों की ईदी चुरा लेती है। और ऐसी ही हमारी अम्मी ने भी हमारे कम से कम कितने बरस की ईदी ले ली थी होगी, अभी मैं कितने बरस की हूँ, कम से कम मेरी अम्मी ने हमारे 15 बरस की ईदी तो ली थी होगी। अब वसूल कर दी हमारे बच्चों को दे दे के आई। अब मेरी अम्मी भी ये डोले काटते हैं, अभी मैंने उनको बोलना बंद करवाया है। ईदी ईदी देख कैसी गिनती है, देख तेरी गिले तेरी अब तो है कमाज कमा। अब 2 महीने में बकरा ईद पाजी पिछू ईद जीत मसाला बोली ना जन्ना हमारी ये। सो गाइस फाइनली आज हमारी ईद कंप्लीट हो चुकी है और अब हम लोग जाएंगे जा पीछे पीछे ना। तो मैं तो यहाँ सीट बैठ जाती हूँ खटके में ऐसी अल्लाह मैं हुआ। तो फाइनली फारूक कार निकाल रहा है और बस आज का व्लॉग हम यहाँ पर करेंगे एंड। तो चलो अब मिलते हैं इंशाल्लाह अब नए व्लॉग में, और आज होता है हमारा ईद व्लॉग एंड। तो बस हमारे चैनल को प्यार सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। और यहाँ देखिए हमारे गरीबों खड़े हैं, बाय बाय हटा, बाय 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 चलाओ। अल्लाह तेरी सबक भी देख देखती है। कहाँ गई कहाँ गई बीबी देखती है अंदर सी इसका भी सीन। ये छोटे छोटे बैठा है, देखिए इधर फॉलो नहीं पड़ती है वीडियो में, छोटी छोटी है। तो चलो करते हैं आज का व्लॉग एंड, बाय अल्लाह हाफिज। चलो बच्चे बाय बोल दो, बाय बाय। तो देखो फारूक की